सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस 2022 की काउंसलिंग के अंदर आने वाले मेजर चेंजेस के बारे में, क्या कुछ अपडेट निकल के आए हैं। ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको 10 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा रहूँगा, सारे के सारे मेजर अपडेट एंड आपको इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं एंड क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख लीजिएगा, 10 मिनट के अंदर सारा समेट के आपके सामने रखने वाला हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो शेड्यूल है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। पहले आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ खोल के कुछ इस तरीके से रख रहा हूँ। आपकी शेड्यूल के अंदर कुछ डेट्स जो है ऊपर नीचे हो चुकी है। जो फॉर्म 8 तारीख तक जिसकी लास्ट डेट थी चॉइस फिलिंग चेंज करने की, और जिस फॉर्म की भरने की जो लास्ट डेट थी वो 29 अगस्त, उसे बढ़ाकर 14 अगस्त तक कर दिया गया है। मतलब 15 दिन का गैप आपके काउंसलिंग के अंदर आ गया है, 15 दिन काउंसलिंग आगे बढ़ चुकी है। लेकिन 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 इससे आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इससे क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो यार, अगर फॉर्म को 15 दिन के लिए ज़्यादा ओपन किया है तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ बच्चे इसके अंदर और अप्लाई कर रहे होंगे, ये तो आपका एक उससे अप्लाई कर रहे होंगे। और उससे क्या फ़ायदा और उससे क्या नुकसान है, तो उसके पर बात करते हैं। देखो, अगर कुछ बच्चे ज़्यादा उसके अंदर बच्चे अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली है कि आपकी रैंक जो है कहीं ना कहीं पहले 100 रैंक आ रही होगी तो वो सड़क के कहीं 105 110 तक जा रही होगी। और वहीं आपकी एक एग्जांपल लेते हैं कि आपकी रैंक पहले मान लो 2000 आई थी तो वो सड़क के कहीं ना कहीं 2100 तक जा रही होगी। ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ रैंक के अंदर तो ऑब्वियसली बात है कि रैंक आपकी कुछ ना कुछ बढ़ने वाली है। और क्या जो पहले रैंक आई थी वो बर्बाद हो चुकी है, हमारी नई रैंक आने वाली है? तो हाँ, आपकी बिल्कुल नई रैंक आने वाली है। टेंटेटिव रैंक जो है 14 तारीख तक जितने बच्चे अप्लाई करेंगे उसके बाद में आपकी नई रैंक आने वाली है। तो नई रैंक कहीं ना कहीं आपकी पहले वाली रैंक से थोड़ी बढ़ जाएगी, ये तो आपका है एक मेजर नुकसान। लेकिन 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 पूरी बात सुनो, अधूरी बात मत सुनो, लेकिन आपकी एक फ़ायदा भी होने वाला। क्या फ़ायदा होने वाला उसके बारे में बात करते हैं। अगर ये फ़ायदा बेसिकली उन बच्चों को है जिन्होंने पहले चॉइस फिलिंग लॉक कर दी थी और अपनी मनपसंद कॉलेज को उसके अंदर चॉइस फिलिंग के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिए थे, या फिर चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं की थी, या फिर कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गए थे, या फिर किसी डॉक्यूमेंट के अंदर इश्यू आ गया था, वो डॉक्यूमेंट रेडी नहीं था लेकिन अब वो डॉक्यूमेंट रेडी है। तो वो बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन अपडेट है ये कि हाँ, वो वापस अपने फॉर्म को, अगर किसी ने लॉक कर रखी है तो अपने फॉर्म को एक बार कैंसिल करके 300 रुपीज़ का पेमेंट फिर से करके उस कंप्लीट फॉर्म को इनिशियल स्टेज से लेकर फाइनल स्टेज तक वापस भर सकता है एंड एक नया फॉर्म नंबर और एक नए पासवर्ड को इश्यू करके अपना फ्रेश फॉर्म एग्जाम भर सकता है रीप की साइट पर। राइट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाला हूँ। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं यार, वो कहीं ना कहीं या तो किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं या किसी कॉलेज के अंदर अभी एडमिशन लेना चाहते हैं। कॉलेज के अंदर हमारा मेन गोल होता है एक अच्छा प्लेसमेंट ग्रैब करना, लेकिन उस प्लेसमेंट तक को ग्रैब करने से पहले हमारे पास में होनी चाहिए एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। और उसी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जूनो बाय मॉन्स्टर इंडिया। ये एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर बहुत बेहतरीन बेहतरीन कंपनीज के अंदर इंटर्नशिप ऑफर देखने को मिलेगा। मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है जूनो का जो ऑफिशियल पोर्टल है, यहाँ पे आपको बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज है जिसके अंदर आप सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सेक्टर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डिजाइन, इन सभी सेक्टर्स के अंदर अपनी इंटर्नशिप ग्रैब कर सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, ऊपर ही ऊपर आपको दो बटन दिख रहे हैं, लॉग इन एंड रजिस्टर। सबसे पहले आपको अपने आपको यहाँ पर रजिस्टर करने वाला है, मैं आपको करके बता देता हूँ किस प्रकार से आपको करना होगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे अपनी गूगल आईडी की मदद से रजिस्टर किया तो सिंपली मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिला जिसमें अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, इंस्टीट्यूट नाम, डिग्री कौन से ईयर के अंदर ग्रेजुएशन कर रहे हो और अपनी स्किल्स के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपको आता है एंड यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। उस अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहीं पे आता है बेहतरीन जूलो की तरफ से फेलोशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर में आपको बेसिकली एक टेस्ट होता है जो कि 1 घंटे का होता है जिसके अंदर 60 क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है। अगर आप टेस्ट के अंदर एक अच्छा स्कोर करते हो तो इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कैश प्राइज़ और गुडीज़ है जिसकी वर्थ जो है 10 करोड़ रुपये तक की है। एंड ये टेस्ट जो है एक पर्टिकुलर डेट को अनाउंस हो रहा है, लाइक यहाँ पे अभी देख सकते हो 24 सितंबर को अनाउंस है। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में टेस्ट आप इनरोल कर सकते हो। डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर आपको काम करने का मौका मिलेगा जिसके अंदर आप जो इंटर्नशिप वगैरह देख सकते हो। एंड अगर आप टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर करते हो तो आपको प्राइस पॉइंट मिलता है। डिफरेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म के कोर्सेज के अंदर अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो सबका रजिस्ट्रेशन लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, इस प्लेटफॉर्म को जाकर जरूर से चेकआउट करना। बहुत सारी चीज़ें और भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है, जाकर जरूर से चेकआउट करना, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। राइट, अब हम नजर डाल देते हैं एक बार शेड्यूल के ऊपर
ऊपर जो नया शेड्यूल आया है, तो भैया देखो पहले जो शेड्यूल था वो कुछ इसकी प्रीवियस डेट आपकी स्क्रीन पे दिख रही है कुछ इस प्रकार से डेट थी, बट चेंजेस होने के बाद कुछ डेट इस प्रकार से है। ये सारा शेड्यूल मैं कोई अलग जगह से नहीं लेके आ रहा हूँ, सारा का सारा वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके एक बार जरूर से चेकआउट कर सकते हो। लेकिन 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 एक और बात सुनो, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको इस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली अपने को पहले से क्या क्या प्रिपरेशन करके रखनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो आपकी पहला सीट अलॉटमेंट जो है आपका डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट जो थी यहाँ पे 4 तारीख को पहले अलॉट हो गई थी वो 16, 17, 18, 19 फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट जो है 19 तारीख को आपके सामने अलॉट हो जाएगी। लेकिन आपको जो है चॉइस फिलिंग जो है 20 तारीख को इसको लॉक कर सकते हो। अब सीट अलॉटमेंट आपका पहला है 21 तारीख को सीट अलॉटमेंट जिन बच्चों को होता है, इनकेस जिनको TFWS सीट मिलती है, तो उन बच्चों को ध्यान रखना है आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करूँ तो आपके पास पर्टिकुलरली एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ या सारे डॉक्यूमेंट की एक फाइल बनाकर इन्हें सारे के सारे डॉक्यूमेंट को रेडी रखो, एंड कितने पैसे लेके जाना है किसी कॉलेज के अंदर वो भी मैं बात करने वाला हूँ। आपको जो भी सीट अलॉट होती है जिस भी कॉलेज के अंदर सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी सीट अलॉट होगी उसका एक पेपर मिलेगा आपको कि पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर ये सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा आपके पास, तो वो आपका प्रिंटआउट होना जरूरी है। आपकी 10th 12th की मार्कशीट होना जरूरी है। आप जिस भी स्कूल से पढ़े हो उस स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट, TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट स्कूल की तरफ से लेना जरूरी है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो अगर आप किसी कैटेगरी से आते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, EWS से आते हो तो EWS सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट अगर आपकी 8 लाख से कम इनकम है तो 8 लाख से कम वाला इनकम सर्टिफिकेट जो कि 4 पेज का बनेगा वो आपको लगने वाला है यहाँ पे। और उसी के साथ साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जहाँ से भी हो, राजस्थान के कैंडिडेट हो तो राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आउट ऑफ राजस्थान कैंडिडेट हो तो वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लगने वाला है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी करके रखें, बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हुए तो जिस भी कॉलेज के अंदर जो भी सीट मिल रखी है वो सीट भी चली जाएगी। मैं फिर बता रहा हूं, ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है लेकिन ड्रीम कॉलेज के अंदर ड्रीम ब्रांच मिल जाती है लेकिन डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते हैं, तो वहां पे आखिरी में जाके वो सीट किसी और बच्चे को दे दी जाती है। तो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होना मस्ट है, एंड जो भी डॉक्यूमेंट बताएं उन सबकी 2-2 फोटोकॉपीज भी रख लेना। उसके साथ में आपका आधार कार्ड सीट अलॉटमेंट लेटर के साथ में, आपको जो भी रीप का आपका फॉर्म नंबर हुआ था वो, उसके साथ में कुछ फोटोज़, और हाँ जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, लाइक गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करूँ तो आपको 3 कॉलेज MBM, CTI, RTO, इन कॉलेजेस के अंदर कोई भी ब्रांच मिलती है मिनिमम आपको 50,000 रुपये खाते के अंदर लेके जाने हैं क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट होता है, ठीक है। तो आपको ये पेमेंट का सारा मेथड जो है रखना है, जिसके अंदर डेबिट कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, आपको रखना है पेमेंट खाते के अंदर एंड वहाँ से आप जाके निकलवा सकते हो। और कुछ पेमेंट आप कैश भी रख सकते हो जिस भी कॉलेज के अंदर आपका आता है, तो इनकेस अगर वहाँ पर कैश एक्सेप्ट करते हैं तो आप वो भी रख सकते हो, है ना। और वहीं किसी बच्चे का प्राइवेट कॉलेज के अंदर आता है तो वो देख मान के चले कि जितनी भी उस कॉलेज की 1 साल की फ़ीस है उसकी वेबसाइट पर डाल रखी है, उसकी आधी से ज़्यादा, उसकी 60% फीस मान के चले लेके चले, क्योंकि उसके अंदर 50% तो उसकी ट्यूशन फीस होगी एक सेमेस्टर की और कुछ कॉशन मनी भी कॉलेज वाले लेते हैं। तो भाई साहब फीस डॉक्यूमेंट ये सारी चीज़ें जो हैं आप इंगेज करके रखें, एंड कुछ भी अपडेट आते हैं इस चैनल के माध्यम से हम आपको पूरी हेल्प कर रहे हैं फॉर्म भरने से लेके कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने तक। एंड ना सिर्फ एडमिशन यार, हमारा टारगेट सिर्फ आपको एडमिशन दिलाना नहीं है, आपको एक अच्छे माइलस्टोन तक पहुँचाना है जिसके अंदर आप किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो तो आपकी एक स्किल सेट हो गया, है ना। उसके बाद में आपका एक इंटर्नशिप वाला पीरियड हो गया, आपको कौन कौन सी स्किल्स परस्यू करनी चाहिए, कौन कौन से प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ये सारी बातें हम यूट्यूब चैनल पर करते हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, एंड जितने भी दोस्त देख रहे हैं आपके, ना सिर्फ ये कॉलेज काउंसलिंग तक लिमिटेड नहीं है, कॉलेज काउंसलिंग के बाद भी हम आपको A to Z सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, एंड जितना भी हो सकता है हम ट्राई कर रहे हैं कि बच्चों की नीड को कंप्लीट फुलफिल करें। एंड कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट्स सेक्शन में बता देना, हम लोग ट्राई करेंगे उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की। एंड अगर आपने इंस्टाग्राम एंड हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं, सॉरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे सारी की सारी अपडेट हम डालते रहते हैं। जितने भी बेनिफिशियल प्रोग्राम आते हैं स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो इंटर्नशिप प्रोग्राम हो गया, चाहे वो किसी प्लेसमेंट के प्रस्पेक्टिव हो गया, किसी स्किल का कोर्स हो गया, ये सारी चीज़ें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एंड जितने भी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है उसकी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो उसका लिंक है जरूर से ज्वाइन कर लेना, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहो तो इंस्टाग्राम अगर आपको तो हमें फॉलो कर सकते हो, @ आपको यूजर ID लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एंड कुछ भी अपडेट हो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, तुम्हारा भाई ट्राई करेगा उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो जल्द से जल्द लाने की, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर देने की। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को यहां तक देख के आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिला होगा एंड डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर तो अभी आपको वीडियो के अंदर मजा आया तो वीडियो को लाइक करना जरूर, चैनल को नया आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन निकल जाएगा जरूर से दबाना, आने वाली बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज की इस वीडियो के अंदर इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच यार यहां तक देखने के लिए। ओके बाय।